पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, देवर भाभी हुए गंभीर रूप से घायल, बेतिया जीएमसीएच में भर्ती। मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के गढ़वा भोगाड़ी का है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर साजिश के तहत हाशिम आलम को घर पर बुलाकर पड़ोसी और विपक्षियों ने उस पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की आवाज सुनकर परिजन आए तो जान बच पाई। वहीं घायल युवक को इलाज कराने आए परिजनों को देख घायल की भाभी पर भी जानलेवा हमला कर दिया। घायल दोनों देवर भाभी को मझौलिया पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति चिंताजनक देखते हुए बेतिया जीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल के परिजनों ने बताया कि बीते दिन मुहर्रम में थोड़ी मोड़ी दोनों पक्ष को चोट लगी थी। पंचायती के द्वारा मामले को रफा दफा कर दिया गया था, मगर विपक्षी साजिश के तहत मोबाइल से बात कराने के बहाने घर से बुलाकर ले गए और जानलेवा हमला कर दिया। जीएमसीएच के चिकित्सकों ने बताया कि सर पर गंभीर चोट लगने के कारण स्थिति चिंताजनक है। झगड़ा लड़ाई हुआ, खत्म हो गया, हम लोग अपने अपने में हम लोग लग गए। उसको बाद क्या हुआ, जब फोन किया उसका घर वाला, जैसे पड़ोसी है, उन्होंने फोन किया, बोला थोड़ा मेरे घर पे बहुत इमरजेंसी है, उससे थोड़ा बात करा दीजिए, हमारे घर पे ले जाए। तो हमारे भाई के दा आया कि चले गए, उनसे बात कराएंगे। बात कराने जब गए, जब वहाँ से दो चार दस लड़का, मतलब वो लोग तो पहले का टेंट रखा था लोग, वो लोग आया और बस इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या हुआ जे, वो इनको मुंह दाब दिया, दाब कर लेकर जाने लगा। जाने के बाद बस ये एक टुक चिल्लाए, उसके बाद में हम मर गए। हम छत पे चढ़े तो हम छत पे जब देखे जे जा, जब एक बार आवाज़ सुने जे हाँ जे हमारा भाई को मारने लगा लो, तो हम लोग दौड़ के नीचे आए। नीचे आने के बाद जब गए तो देख रहे हैं मार के पूरा पटवा दिया है, मतलब कोई जान नहीं है। हम लोग गए कैसे भी छीन छान के लेकर, मतलब आए, हम लोग को भी मारा लोग,